हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो? एक्सरसाइज पता है आपको, चैप्टर पता है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 शुरू कर रहे हैं इसका, ठीक है? एक्सरसाइज हमारी 4.6 चल रही है, ठीक है? चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है? उसका मैट्रिसेस वाला पार्ट, ठीक है? अब वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या बोला गया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और आपको एक ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दी गई है, पूछ रहे हैं एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है? तो लेट एक्स को आपको ए बी लेना है, ठीक है? यहाँ तो मैं सबसे पहले ये लिखना चाहूंगा कि लेट एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी। अब आप बोल रहे होंगे बेटा कि सर ये ए और बी कैसे आया? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बी आया है, बिल्कुल। तो ये 1 - 2 - 1 ये लिख लो पहले, फिर यहाँ ए बी लिखो। रुको रुको बता रहा हूँ, रुको सबर करो सबर करो। ये देखो ये -3 और -1 आ रहा है ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये 2 × 2 वाली मैट्रिक्स है, ये 2 × 1 वाली, क्योंकि दो रो एक कॉलम है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जब मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया था उसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, कि इसका रो जो आगे मैट्रिक्स है पहले नंबर पे और सेकेंड पे उसका कॉलम उठाना और उतने की आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ये 2 × 1 वाली तो दो रो एक कॉलम, बिल्कुल। तो हो गया, तो इसलिए ए और बी लिया है ध्यान में। तो ऐसे सोचना होता है, ठीक है? अब ये सोचना, बहुत से बच्चे सोचते भी नहीं है, बहुत से बच्चे तो सोचते भी नहीं, सिर्फ ए बी लिख देते, हो गया एग्जाम में कुछ और आ गया तो बेटा, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करो। तो 2, तो ये ए माइनस 2 बी और ये -2a + b, बस यही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। इसको मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना आता है, बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि अब हम इस चैप्टर के लास्ट लास्ट में आ चुके हैं, आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म है, ठीक है? और मल्टीप्लाई मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है? तो अब देखो, पहला इक्वेशन ए माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ए माइनस 2b इज इक्वल टू -3 और -2a + b इज इक्वल टू -1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है? क्लियर, ये 1, ये इक्वेशन 2। अब देखो इसे सॉल्व करो, तो इक्वेशन 1 × 2, इक्वेशन 1 × 2, तो 2a - 2b इज इक्वल टू, या एक काम करो इक्वेशन 2 × 2 करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो -4a + 2b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 1 + 3, ठीक है, a - 2b इज इक्वल टू -3, -4a + 2b इज इक्वल टू -2, ठीक है, a - 2b इज इक्वल टू -3, -4a + 2b इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल, ये कितना आया -3a इज इक्वल टू, ये आया -5, इनकी एडिशन, तो a इज इक्वल टू -5 / -3, तो a इज इक्वल टू 5/3, ठीक है? अब पुट a इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1, तो a - 2b इज इक्वल टू -3, तो 2b इज इक्वल टू 5/3 + 3, देखो ये उधर गया और ये इधर आ गया, ठीक है? प्लस 3, तो b इज इक्वल टू, ये हो गया 5 + 9/3 × 2, तो b इज इक्वल टू 14/3 × 2, तो ये 7 पे कैंसल, तो यहाँ आ गया b इज इक्वल टू 7/3, तो देयरफॉर x जो आ गया आपका मैट्रिक्स वो आ गया 5/3 और यहाँ पे 7/3, ठीक है? क्लियर, तो नोट कीजिए बेटा, बहुत ही इजी है, ठीक है? 1, 2, 3, ठीक है? पलक झपकते हो गया ना पहला क्वेश्चन, अब ऐसे ही पूरे कर लेते हैं, आज सब करते हैं, आज नहीं छोड़ते हुए, ठीक है? पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 19, अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए बेटा, के निकालना है इसमें, ठीक है? तो देखो ए स्क्वायर यानी क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i बोल रहे हैं, ठीक है? तो पहले तो ए स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं, 3, 4 - 2 - 2, 3, 4 - 2 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू के, ए कौन है, 3 - 2 - 4 - 2, ठीक है, के इंटू ए -2i, तो i क्या है 1, 0, 0, 1, ठीक है, ओके,
अब देखो, 3 माइनस 2, 3 3 9, और ये -8, 2 4 -8, 2 4 8, ठीक है, 3 2 6, तो ये -6, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, ठीक है, 4 3 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 8, ठीक है, 4 4 2 -8, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, ठीक है, इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट, यहाँ कर लो मल्टीप्लाई पूरा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 के -2 के, 4 के -2 के, ठीक है, आपको तो के निकालने को बोल रहे हो, तो आराम से हो जाएगा, -2 0 0 2, अब इसे उधर भेजो, ठीक है, तो कंपेयर कर लेंगे अब डायरेक्ट, देखो थ्री के यहाँ -2 के, 4 के -2 के, ठीक है, अब ये उधर जाके प्लस, तो ये देखो इसका कितना हो रहा है, 1 1 प्लस, इधर ये जाएगा तो 1 प्लस 2 3, तो इज इक्वल टू, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो क्या किया मैंने, ये माइनस का उधर प्लस ले गया, ये 1 बच रहा, या -2 प्लस 0 -2, ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस 0 4, ये -4 प्लस 2 -2, देखो -4 प्लस 2, -4 प्लस 2, तो हो गया ना 4, ठीक है, इधर आके +2 हो जाएगा ना, तो सब आप कोई भी ले लो, आपको आंसर 1 ही मिलेगा के का, तो 3K इज इक्वल टू 3 ले लो, K इज इक्वल टू 1, बस आप कितने भी सब ले लो तो भी K 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है, देख लो आप चेक कर, ठीक है, चलिए नोट कर लो, 1 2 एंड 3, आप बोल रहे होंगे सर बड़ा फास्ट कर रहे, नहीं, आसान है इसलिए फास्ट कर लो, ठीक है, फास्ट यानी उपवास नहीं, फास्ट, ठीक है, तेजी से, क्विकली, ठीक है, 1 मिनट, मेरा पिछला क्वेश्चन कहीं आपको दिख तो ही नहीं रहा, ऊपर का दिख रहा है ना भाई, चलो दिख रहा है, अच्छी बात है, मैं वही सोच रहा था, चेक करने वाला था, भूल गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में, फाइंड एक्स इफ 1x1 मैट्रिक्स है, और एक है 1 2 3 4 5 6, 3 2 5, ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे भी 7 8 9 है, ये 1 -2 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सबसे पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है, ठीक है, ओके सर, ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल ओके, देखो क्योंकि ये देखो ये 3 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 1 का ही बनेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं इन दोनों को करूंगा, इसको नहीं करूंगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल शाने है, ठीक है, तो आप होशियार बनिए, तरक्की करिए, ठीक है, तो देखिए 1x और यहाँ पे 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5, ओके बच्चा, ओके सर, 1 -2 3 इज इक्वल टू 0, ओके, अब ये यही हो जाना चाहिए सॉल्व, उधर लेके जाओगे तो लंबा पड़ेगा फिर, चलो ठीक है सर, आपकी इच्छा जैसे, मैं थोड़ा सा अब देखता हूँ, स्पीड से करता हूँ, ठीक है, 1 1 1 1 -4, और ये 3, तो ये +9, ठीक है, बस यही हो गया, एक ही बनेगा, दूसरा बनेगा ही नहीं, ठीक है, टेंशन मतलब दूसरा बनने ही नहीं वाला, वो मुझे गारंटी है, क्योंकि 3 इंटू 1 वाला मैट्रिक्स ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है, आया नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 रो 1 कॉलम ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है सर, ओके ये हो गया, अब 4 -10 + 18, ठीक है, देखो 1 4 और 9, 4 -10 और 18, ठीक है, 3 -4 + 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो गया आपका, 5 + 1 6, सिक्स, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 8 + 4 12, और ये देखो -1, तो ये 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक, अब इसे सॉल्व करना है सर, इसका क्या करें, कुछ नहीं बेटा रुको, इसे भी मल्टीप्लाई करो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 1 है,
एक ही रो, एक ही कॉलम, और यहाँ पे एक ही रो, तो वन इंटू वन वाला बनेगा, मतलब सिंगल। ठीक है, देखो इसे सीधा करो, 6 + 12x +14, ये पूरा एक ही टर्म बनेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, तो कंपेयर कर लो, तो ये 6 + 12x +14 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान लगा के, ठीक है, ध्यान लगा के देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन दोनों की एडिशन कितनी हो रही है, 20। तो ये उधर जाके करेंगे -20, और ये -12x, बिल्कुल ठीक है, +12, सॉरी ये -20 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ये -20 हो रहा है उधर जाके, ओके ठीक है, यहाँ तक बात सही है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -20/12, तो x इज इक्वल टू 10/6, 4 4/3, 5/3, ठीक है, -5/3, क्यों, 4 5 5 20, 4 3 12, ओके सर समझ गए, कोई परेशानी, नोट करो एक बार, हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, 1 2 एंड 3। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ ये, ठीक है, चलो ये मैं कर देता हूँ। देखो 4 2 8, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4, ठीक है 8 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर ये -4, फिर ये 0, फिर ये 12, और फिर ये 8, -3 -3, 4 2 1 1, ठीक है, तो इसे पहले सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है, कर ली, फिर ये मल्टीप्लाई करना है 2 -1 1, और फिर एक्स वाई आपको मिल जाएगा, ऐसे बोलना है इनका। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पे 8 -3 5, ये इससे गया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 आ गया, ये 8, ठीक है, ये 4 -2 2, ये 0 -1 -1, 8 -1 7, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी ये अभी होने का है ना, मल्टीप्लाई 2 -1 1 इज इक्वल टू xy। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं बचा, खत्म ही हो गया क्वेश्चन आसपास। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एक बार, और वो भी बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि देखो ये है 2 × 1, 2 × 2, और ये है 3 × 1, ठीक है, तो 2 × 2, 2 × 1 वाला मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, देखो देखते कैसे होता, 5 2 10, -1 + 1, 8 1 8, तो +8, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, हो गया बस, ठीक है, बस ऐसे हो गया, अभी यहाँ पे 1 आया ना, बस एक ही आएगा टर्म, ठीक है, फिर ये 2 इसके साथ हो गया ना, इसके साथ दूसरा कोई है नहीं बाजू में, 2 2 4, -1 + 1, 7 1 7, ठीक है, तो ये 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, और ये वाई। अब आगे देखो, ये 19 और ये 12, तो ये 19 और ये 12, ठीक है, सही है, इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे वाई, तो एक्स आ गया 19 और वाई आ गया 12, बस और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है, ये क्या था आपका 2 × 1, और ये 1 × 3 × 1, ठीक है, तो उसी हिसाब से यही आ गया आपका, और यहाँ पे आसानी से आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है और आसानी से हो गया। ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो हो गया बच्चों नोट। ठीक है, अब ये अगला, अब ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालना है, सेम मेथड है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करना, ये होमवर्क है। ठीक है, ये इजी है, ठीक है, ये भी वैसी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको लगने में डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, अब 23, ये देखो शो दैट, ये शो करना है, कुछ नहीं, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, यानी ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसमें सिर्फ आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे दो बार ये मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखो अब ये कॉस और साइन, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अब ये
कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो ये यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस, ठीक है। अब ये माइनस साइन कॉस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू ये कॉस अल्फा, ठीक है। फिर बीच में आएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये कॉस है, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्योंकि देखो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, कोई परेशानी है और नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये देखो ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस टू अल्फा, आपको फॉर्मूला याद होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस टू अल्फा, जो कि आपको यहाँ पे चाहिए भी, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा को एक काम करो ना, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखो, हाँ कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखो, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे रहने दो, जो यहाँ का देख के माहौल, यहाँ पे कॉस टू अल्फा चाहिए ना, इसलिए मुझे याद आया फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे रहने दो, इसे मत कुछ करो, साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे रहने दो, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा इसको लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा को, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो उसी का कॉस स्क्वायर का आपका आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो कॉस टू अल्फा, यहाँ पे माइनस टू साइन टू अल्फा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी टू नहीं साइन टू अल्फा, ठीक है, सॉरी टू नहीं आएगा क्योंकि इसका वैल्यू ऐसे आता है, देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होता है साइन टू थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन टू थीटा यानी साइन टू अल्फा, ठीक है, यहाँ पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा, हाँ साइन टू अल्फा, यहाँ पे भी साइन टू अल्फा, अब यहाँ पे कॉस टू अल्फा, इसका फॉर्मूला भी यही आता है, ठीक है, तो ये आपका आ गया भी यहाँ पे आंसर, ठीक है, नोट कीजिए वन टू एंड थ्री, ओके, ठीक है बच्चा। अब देखिए 24 क्वेश्चन नंबर 24, ये डिटरमिनेंट निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट, तो ये आपके लिए होमवर्क है, मेरी तरफ से ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, आप बहुत होमवर्क दे रहे हो, बेटा होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो कॉस साइन वाले होते हैं वो मैंने एक भी नहीं दिया आपको, ठीक है। देखो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बोल रहे, ये शो दैट करो, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना ए इंटू बी का, फिर आप उसका डिटरमिनेंट निकालना, फिर ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट अलग अलग निकाल के उनका मल्टीप्लाई करना, ठीक है, चलो इतने स्पीड से बोला सर, देखो बताओ पहले ए बी को प्रोडक्ट कर लो दोनों मैट्रिसेस का, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर ए का स्पेशल डिटरमिनेंट निकालो, फिर बी का डिटरमिनेंट निकालो, फिर ए और बी के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो अब ये जयंत रामा टू फ्रेंड्स इन अ क्लास, जय वांटेड टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स, राम वांटेड टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स, बोथ ऑफ देम वेंट टू द शॉप, द प्राइस ऑफ अ पेन एंड अ नोटबुक विच दे हैव सिलेक्टेड वाज 6 रुपीज एंड 10 रुपीज, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ देम, ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते, देखो एक मिनट, 4 और 5, यहाँ पे पेन पेन लिखो, यहाँ पे नोटबुक नोटबुक लिखो, ठीक है, ये हो गया जय के लिए और ये हो गया आपके राम के लिए, ठीक है, ये राम है 5 और 12 वाला, ठीक है, तो ये राम जी और ये जय जी, ठीक है, राम जी को बोला मैंने, समझ रहे हो आप, ठीक है, भगवान राम, ठीक है,
ये 6 और 10, विच दे हैव सिलेक्टेड वॉज 6 और 10, तो 6 और यहाँ पे 10 ले लो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो भैया, मल्टीप्लाई करो। हाँ मेरे हिसाब से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ रहा है आपका, ठीक है। ये है पेन और ये है नोटबुक, ये क्यों टी छोटा लिख, ये भी छोटा लिख, चलो नोटबुक समझ गया, अभी आता, ठीक है। अब देखो आराम से सॉल्व करो, अब आपको इनकी क्या निकालना है, अमाउंट उनको रिक्वायर्ड, तो ए इंटू बी करो, ठीक है। ए इंटू बी मल्टीप्लाई करोगे ना, सिंपल है। देखो जितने नोटबुक है उतना इंटू 1 नोटबुक की प्राइस, तो यहाँ पे देखो 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 24, 8 80, ये 5 30, ये 12 120, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ये है आपका जय और ये है आपके राम जी, ठीक है। चलो तो ए इंटू बी इज इक्वल, ये हो गया 104, ये हो गया 150, तो जय रिक्वायर्स ₹104 एंड राम जी रिक्वायर्स ₹150, ठीक है। तो नोट कीजिए बच्चा, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। मेरा पॉइंट समझ गया क्या, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे मिलता है आप लोगों को। जैसे मैंने बोला भाई मेरे को 2 किलो पेड़े और 1 किलो काजू कतली लेनी है, सपोज पेड़े का प्राइस है 500 रुपये किलो, काजू कतली का 1000, तो 500 × 2000 + 1000 = 2000, ऐसे बोलते हो ना, ठीक है। तो समझ गया होगा ये आपको, सिंपल गणित था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.7 के साथ, पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।